वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ कैमेलिया और आप देख रहे हैं मेरा। आज मैं बनाऊंगी रूहू फिश का भापा, जो बंगाली में बहुत ही फेमस है। ये भापा तो बहुत सारे मछलियों का होता है, एक का होता है। आज मैं सिखाऊँ रूहू फिश का भापा, तो इसलिए मैं लिया है 3 पीसेस रूहू फिश। इसके लिए हमको ये, मैं पहले इसको थोड़ा मैरिनेट कर लूँगी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर से मैं थोड़ा मैरिनेट कर लूँगी इसको, अच्छे से इसको मिला दूँगी हल्दी और नमक को ऐसे करके। मैं थोड़ी देर रह दूँगी, इसके बाद मुझे ये फ्राई करना है। आप देख सकते हो मैं थोड़ा सा ही ऑयल लिया हूँ, कढ़ाई चढ़ा दिए और मीडियम फ्लेम में मेरा ओवन है और इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी मछली को। तो तेल थोड़ा गर्म हो जाए उसके बाद मैं थोड़ा फ्राई करूँ। हो गई है तेल गर्म मेरा, मैं मछली को दे देती हूँ। मछली जब आप तेल में छोड़ेंगे तब आपका गैस पूरा एकदम सा मीडियम एकदम कम रहना चाहिए, नहीं तो वो तेल आपका आप दिन गिर सकती है, इसलिए एकदम मीडियम फ्लेम में रख दीजिए। और ये मछली ज़्यादा नहीं फ्राई करनी है, थोड़ा सा ही करना है, क्योंकि जो लाल लाल हम लोग करते हैं बंगाली में तो ये भापा के लिए अच्छा नहीं है ना। भापा के लिए थोड़ा सा ही हल्का सा जस्ट फ्राई करना है, एकदम जो इसका स्मेल होता है वो सिर्फ चला जाने के लिए, नहीं तो एक कच्चा स्मेल होता है फिश का तो वो ठीक अच्छा नहीं लगता, इसीलिए। तो मैं उसको थोड़ा उल्टा देता हूँ, तो ये हो रही है मेरा मछली फ्राई, थोड़ा सा ही करूँगी। इसके बाद मैं थोड़ा सा ये काला सर्स है तो इसको मैं थोड़ा ग्राइंड कर लूँगी, मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी। ये थोड़ा सा ही है, ये हाफ कप होगा, छोटा कप का हाफ कप होगा, ये मैं थोड़ा ग्राइंड कर लूँगी। आप देख सकते हो मैं जो सर्स है काला सर्स है तो उसको पेस्ट बना लिया है। उसके बाद ये जो मेरा उसमें लगेगा ये दही लगेगा। तो अब चले ये बनाते हैं पेस्ट। इसके लिए ये बनाने लेके मैं पहले ये जो एक टिफिन बॉक्स है ये इसके जैसा एक जगह लेना होगा। उसके बाद इसमें मैं आहिस्ता ये जो सरस पेस्ट है ये पेस्ट डाल दूंगी। ये जो दो चम्मच है दही ये भी इसमें डाल दूंगी। सरसों का पेस्ट बनाने के समय आप थोड़ा उसमें नमक और एक ग्रीन चिली भी डाल के मैं पेस्ट बनाई। इससे क्या होगा, जो इसका जो तीखी भाव है वो नहीं होता। तो ये एक टिप्स हो गई कि आप सरसों को जब पेस्ट बनाएंगे उसके थोड़ा नमक और थोड़ा एक या दो आपके स्वाद अनुसार ग्रीन चिली डाल सकते हो, उससे क्या होगा वो टेस्ट अच्छा रहेगा। इसके बाद इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके जो ये है वो डाल दूंगी। मैं जो नमक डालूंगी पहले स्वाद अनुसार, थोड़ा सा चीनी भी दूंगी, मैं हर चीज़ में थोड़ा चीनी देती हूँ। उसके बाद थोड़ा हाफ टेबल स्पून काली मिर्च, हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर, थोड़ा सा एक छिलके जैसा हल्दी और थोड़ा सा
आप ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते हो, ये रेड चिली पाउडर ये डाल दीजिए। और इसके बाद इसको थोड़ा मिक्स कर लीजिए। ये देखिए मेरा मिक्स में मिसल लिया है सब, इसको इसमें थोड़ा ग्रीन चिली भी डालूंगी। इसके बाद इसमें मैं मछली भी दे दूंगी एक एक करके। देखिए ऐसे करके मैं थोड़ा इसको इसको मिला दूंगी। इसमें थोड़ा कच्चा सरसों का ऑयल भी दूंगी। देखिए थोड़ा सा ऑयल मैं दूंगी इस पर, कच्चा ऑयल। इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा होता है, इसका जो टेस्ट होता है उसका ऑयल कम ही बहुत चलता है। देख लीजिए आप दे दिए मैंने। इसमें जो ग्रेवी होगा तो ग्रेवी होना चाहिए इसके साथ, नहीं तो कैसे खाएंगे आप। इसीलिए मैं थोड़ा पानी जो वो सब चीज़ था उसका धुल के जो थोड़ा एक पानी दे रही हूँ, ऐसे करके थोड़ा सा पानी दे रही हूँ, उसको मिक्स कर देती हूँ ऐसे करके। मिक्स कर दिया मैंने, ये मेरा हो गया। इसके बाद इसको इसके बाद ये मेरा ढक्कन लगा दे रही है, ढक्कन लगा दिया। इसको मैं क्या करूँगा, कढ़ाई में थोड़ा तेल पानी डालूँगी, उसके बाद इसको बिठा दूँगी और ढक्कन लगा दूँगी। आप देख सकते हो पानी में चढ़ा दिया है, और ये जो पानी थोड़ा सा जो फूटने लगेगा उसके बाद, जो देखिए हम थोड़ा थोड़ा फूटने लगा है पानी, तो इसमें हम क्या करेंगे वो टिफ़िन बॉक्स छोड़ देंगे। आपको ये नज़र रखना होगा जो पानी जो है टिफ़िन बॉक्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसके अंदर पानी चले जाएंगे, तो इससे इसका टेस्ट नहीं अच्छा होगा। तो इसलिए ऐसे करके कर देते हैं, और उसके बाद हम इसको ढक देते हैं। तो 15 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे। ढक देते हैं और गैस पूरा एकदम से मीडियम फ्लेम में रहेगा। 15 मिनट हो चुके हैं, अभी मैं इसको खोल के देखूंगी इसे कैसे करेंगे। ये ऐसा हो गई है, ऐसे रहेंगे। गैस मैंने ऑफ कर दिया है, अब मैं नहीं खोलूँगी। थोड़े ठंड हो जाने के बाद ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद ऐसे ठंड होने जाने के बाद इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता इससे उठाऊँगी और आहिस्ता से खोल के देखूँगी कैसे बना है। ये देखिए ये खोलने के बाद कुछ तो ऐसे दिखेगा, बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। अब मैं इसे सर्व करूँगी। मेरा रुई भापा रेडी हो गया, देखिए कितना सुंदर रंग भी आया है, दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। आप घर के बना के देखिए और मुझे कमेंट कीजिएगा कैसे लगा, आप कैसे आपका बनाया है, कैसा बना है। और इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नए नए वीडियो को जानने के लिए आप मेरे बेल आइकन पर टैप कीजिएगा। इसीलिए ऐसे देखते रहिए मेरा चैनल। ओके बाय।